और ये किस चीज का घोल है? ये साबुन का घोल है। ये साबुन का घोल है सुनत का चेहरे से बचने के लिए साबुन है। किसके लिए? आगे मैं दिखा रही, देखिए बर्तन बनाने पूरा मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसेस दिखाई जा रही है, तो कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है। तो सीधे मैं बोला ना, ये डाई अलग अलग होती है भैया, इसकी रेट की बात, रेट क्या होने वाली इसकी? ये 260 रुपए केजी का है। 260 रुपए किलो। और एक किलो में कितना पीस समथिंग आता है? ये 20-18 लगभग अप्रोक्सली बात करें तो आपको 20 पीस चढ़ने वाला एक किलो समझ सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते सीधे बर्तन जो फिनिशिंग पूरा बन के रेडी हो जाता है तो यहाँ पैकिंग होता है इस तरीके से। देखें मशीन, कटिंग मशीन आप देख पाओ थोड़ा सा ऐसा बना हुआ। अभी पॉलिश इसको करेंगे, कैसे पॉलिश करेंगे? देखिए ये क्या लगा रहे हैं आप? मसाला है। मसाला है, किस इसका होता होगा ये? इसका है। चलिए ठीक है, चाय रखे मतलब कुछ भी रख सकते हैं आगे। बहुत ही नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों आज फिर से मैं आ गया गोरखपुर से चल करके बिहार, और बिहार में हूँ प्रेजेंट में चनपटिया। चनपटिया से बस थोड़ी सी दूर आपका आएंगे तो स्टार्टअप जोन आपको मिलेगा। आप देख पा रहे यहाँ पे स्टील की फैक्ट्री है जो सेवम स्टील करके है। आपके यहाँ पर बहुत सारे बर्तन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो काफ़ी लोगों का कमेंट रहा था इस टाइप की वीडियो लेके आए, तो मैं इस टाइप की वीडियो आप लोग को लेकर आ रहा हूँ। अभी सारे प्रोसेस जानेंगे कैसे कैसे क्या होता है, क्या बर्तन की बनने की पूरी प्रोसेस होती है, सारे डिफरेंट आइटम। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइनली मैं यहाँ के एक एम्प्लायर से आप लोग को विजिट कराने वाला हूँ, ये सारी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका शुभ नाम? महेश कुमार। ठीक है, जैसा कि आपकी फैक्ट्री है किस नाम से है? ये सुगम स्टील के नाम से है। अच्छा, अगर प्रॉपर एड्रेस की बात करें तो एड्रेस क्या होने वाली है? ये चनपटिया स्टाफ ऑफ जोन में है, इसी मार्केट में है। जी जी। और बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ऑलरेडी कई सारे मैं फिर से रिपीट कर, यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है। हाँ, तो मैं एक एक करके सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल टाइप पर देख सकते हैं बहुत सारे बर्तन है, अभी मैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आप लोग को दिखाऊंगा। हाँ, कैसे कैसे क्या होता है। तो सर ये इसके बताइए, जो ये स्कीम के तहत है जो सीएम या डीएम दे रहे हैं कि आप लोग खुद अपना प्रोसेस कर रहे हैं? डीएम साहब की तरफ से भी है। अच्छा, डीएम साहब की तरफ से भी है। अच्छा अच्छा, उद्योग मंत्रालय से भी कुछ है। अच्छा, जो अभी सुविधा अभी पहुंचा नहीं है, पहुंचने का संभव है। अच्छा, ये काम आप लोग कब से स्टार्ट किए हैं सर? ये काम हमें एक साल हो गया। एक साल हो गया ना। हाँ जी। अच्छा, तो बर्तन जैसे कैसे कैसे क्या बनाते हैं, और डिलीवरी की बात करें कहाँ कहाँ डिलीवरी आप कर रहे हैं अभी तक? अभी हम सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर जी, दरभंगा जी, सीवान, गोपालगंज, छपरा, आरा, बक्सर, अच्छा मुजफ्फरपुर, ये मोतिहारी, मतलब बिहार साइड से। बिहार साइड से ही अभी शुरू है। दोस्तों देखिए तो खासकर जो पूर्वी छोर के लोग हैं ज़्यादातर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्यों ना मैं चाहूँगा कि जो हमारे भाई यूपी से हैं यानी गोरखपुर से आसपास में, यहाँ पर आप लोग जुड़िए और एक सीधे मैन्युफैक्चरर से विजिट कीजिए। और बहुत सारे बर्तन हैं, थोड़ा प्रोसेस बताइए कौन कौन से बर्तन आप लोग बनाते हैं? हम लोग स्टील के बाल्टी, लोटे, गिलास छोड़ करके, करछी, छलनी छोड़ करके सारे आइटम बनाते हैं। सारे आइटम बनाते हैं। देखिए कुछ चुनिंदा चीज़ों को छोड़ करके स्टील के सारे आइटम बनाते हैं। अभी इसके बारे में बताइए कैसे क्या है? ये हम बनाते हैं 7 इंची में मुगली, ये से कहते हैं। अच्छा, कैलेंडर कह देते हैं। अच्छा अच्छा, ट्यूब बोल बोल देते हैं। जी जी। इसकी प्राइस क्या होगी? होलसेल प्राइस? प्राइस होलसेल प्राइस है आपकी मार्केट का। इसके इसके रेट होता है सोना के रेट की तरह होता है। अच्छा, दिन भर में 3 रेट होता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता कब इसका रेट क्या। अच्छा, मुझे पहली बार पता चला कि रेट ऑलरेडी दिन में 3-3 बार बदल रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, फिर मोटी इसकी रेट की बात, रेट क्या होने वाली इसकी? ये 260 रुपए केजी का है। 260 रुपए किलो। और एक किलो में कितना पीस समथिंग आता है? ये 20-18 लगभग अप्रोक्सली बात करें तो आपको 20 पीस चढ़ने वाला एक किलो समझ सकते हैं कितने जबरदस्त आपको रेट लगेगा, और रेट का आइडिया आप लगा सकते हैं। बाकी इधर देखिए बहुत सारे मैन्युफैक्चर आपको मिलने वाले हैं, तो समझ सकते हैं बर्तन आपको किलो के भाव मिलने वाले हैं और सीधे मैन्युफैक्चर सब जुड़ने वाले हैं। ये भी 260 रुपये किलो होगा ना? ये 250 का है ना? 250 रुपये बर्तन किलो मिलने वाले हैं। बहुत कम, बहुत ज़्यादा रेटें चढ़ेंगे, आराम से 10-10 रुपये बेचेंगे तभी जबरदस्त कमाई कर लेंगे। इधर बहुत सारे बर्तन आपको लगे हुए हैं, और आगे चले मैं सीधा प्रोसेस कुछ और दिखाता हूँ। इसको देख सकते हैं ये प्रेस मशीन जैसे मैन्युफैक्चरिंग है। और ये किस चीज़ का घोल है? ये साबुन का घोल है। ये साबुन का घोल है सुनत का चेहरे से बचने के लिए साबुन है। किसके लिए? आगे मैं दिखा रही, देखिए बर्तन बनाने पूरा मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसेस दिखाई जा रही है, तो कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है। तो सीधे मैं बोला ना, ये डाई अलग अलग होती है भैया, इस तरीके से देखें मैन्युफैक्चरिंग आपको होने वाली है, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ बर्तन होता है। एक घंटे में कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं? एक घंटे में ये 30 किलो से
25 किलो का अनुभव हो जाता है। ये डाई लगाना होता है जी? हाँ जी। देखो ये डाई बेस्ड आपको मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये मार्केट से काफी सस्ता हम लोग दे रहे हैं ना, मार्केट से काफी सस्ता, हम हमारा जो है होलसेल रेट होता है। होलसेल रेट है ना दोस्तों, देख सकते हैं मार्केट से काफी आपको सस्ते रेट में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग सीधे मैन्युफैक्चरर से जुड़ रहे हैं, और जाहिर सी बात आपको सस्ते मिला। पहली बार हम लोग इसे अपने चैनल पे दिखा रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, अब बर्तन आपको देखने के मिलने वाले हैं। आगे कुछ और सिस्टम थोड़ा दिखाइए, लेथ मशीन है ना, इधर लेके आइएगा। हाँ जो है कटिंग मशीन आई है, सफाई करता है। अच्छा सफाई करता है। हाँ। ये लेथ मशीन है ना? नहीं लेथ मशीन आगे। अच्छा ये लेथ मशीन नहीं है, ये कटाई मशीन है। ये कटिंग मशीन आप देख पा रहे, थोड़ा सा प्रोसेस को जूम के दिखाइएगा, इस तरीके से देख पा रहे मशीन आपको चल रही है, और सारे में जो भी प्रोसेस एक ही करके दिखा रहा हूँ। अच्छा ऋषि बात करें, इससे क्या होता है सर? इस पे हम अपना डाई जो होता है मशीन का सारे आइटम बनाते हैं। अच्छा अच्छा, लेथ मशीन से ही सारा काम होता है। जी लेथ मशीन से सर का। हाँ जी। अच्छा अगर कोई फोन करे गोरखपुर में लेना चाहे तो लोग प्रोवाइड करा देंगे, भिजवा देंगे ना? बिल्कुल जी। रेट वेट जानना चाहिए तो व्हाट्सएप पे सैंपल भेज देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से डाई कुछ सेट करके दिखाएंगे क्या? डाई अभी जो है हमारा बंधा हुआ है। अच्छा, कास्टिंग निकालना है, लोहे ढूंढना है, ताकि अगली डाई हम बना सकते। देख सकते हैं बहुत सारे डाइयाँ जो बहुत सारे जो प्रोसेस इसका पार्ट लगे हुए हैं, ये हम अब देख सकते हैं। बाकी इधर देखिए कुछ है, ये स्क्रबर जिसे बोलते हैं, और खास करके लोहे का जो कटिंग एरिया जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। इस तरीके से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके देखने को मिल जाएगी। इससे क्या करते हैं हम लोग, फिर गलाते हैं? यह स्क्रैप होता है, दोबारा बिक जाता है हल्के रेटों में। अच्छा फिर बिक जाता है, फिर स्टील तैयार होकर आ जाता है। अच्छा देख पा रही, ये जो स्क्रबर आपको मिलने वाला है ये आपको कम प्राइस में लोग दे देते, फिर दोबारा मटेरियल बन के रेडी हो जाता है ना। आगे तो मैं कुछ प्रोसेस देख रहे थे, बहुत सारे ये तसला बने हुए हैं, और इसकी बात है प्राइस क्या होने वाली है? इसकी प्राइस की बात करें 260 की, ये 260 रुपये आपको किलो मिलने वाला है, काफ़ी जल्दी तक किलो मिल जा रही है। और आगे मैं दिखा रहा हूँ, इधर देखिए बहुत सारे, हो सकता है थोड़ी सी लाउडली साउंड आ रही है, आपको सारी चीज़ आवाज़ थोड़ी क्लियर ना आए, ताकि आप लोग समझ सकते आइडिया लगा सकते। इधर बहुत सारे मैन्युफैक्चर, अभी भैया मैंने मशीन थोड़ा दो मिनट लिए बंद करवाया है, और सर ये अब क्या कर रहे हैं? पॉलिश कर रहा हूँ। ये पॉलिश कर रहा है ना, जैसे कि पता चला अभी गोरखपुर से हैं। हाँ उसको देखिए तो हम लोग भी गोरखपुर से ही आए हुए हैं, और ये देखिए बर्तन की पॉलिश की जा रही है। फिर भी एक घंटे में कितना कर लेते हैं आप लोग? एक घंटे में कितना होगा? 20 किलो होगा। 20 किलो हो जाएगा, 20 किलो में बहुत बर्तन चढ़ जाएंगे ना। एक घंटे में 20 किलो माल बन जाएगा, 20 किलो हो जाएगा। थोड़ा सा इसका प्रोसेस दिखाएगा हमारे व्यूअर के लिए, थोड़ा सा इसका प्रोसेस चालू करके दिखाइएगा। और देख पा रहे हैं सर चालू करके दिखाएगा, मशीन चालू हो गई है, और एक दो चार पीस कीजिएगा। ये भी देखिए पीस है, देखिए ऐसा बना हुआ, अभी पॉलिश इसको करेंगे, कैसे पॉलिश करेंगे देखिए। ये क्या लगा रहे हैं आप? मसाला है। किस चीज़ का होता होगा ये? इसका है। चलिए ठीक है। आप देख पा रही हैं सीधे पॉलिश किया जा रहा है, अभी बिल्कुल शाइनिंग आ जाएगी पीस में, और चमक आ जाएगा इस तरीके से देख पा रहे हैं। बाकी पॉलिश हो गया, मैं आपको ये आपको पूरा फिनिशिंग की चीज़ दिखाएंगे। ऐसे देखिए, नहीं नहीं जी ऐसे देखिए, बाकी फिनिशिंग अभी थोड़ा सा इसमें जल रहा है, इसलिए मैं आपको दिखाने पर बाकी फिनिशिंग आपको पीस मिलने वाला है। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा पूरा हीट हो जा रहा है, ऐसे देखिए पीस की पूरा शाइनिंग आ गई, बिल्कुल चमक आपको मिलने वाला। मतलब कह सकते हैं सीधे मन करके दोस्तों, इस तरीके से बर्तन का पैकिंग, अभी बहुत सारे बर्तन के पूरा देखिए फिनिशिंग पर इतना चमक रहा है, अपना चेहरा पूरा बिल्कुल साफ आपको दिखाई देगा। तो सर ये बर्तन आप पैकिंग थोड़ा सा प्रोसेस में कैसे, क्या डिटेल बताइए इसके बारे में? इसका डिटेल्स क्या है जी? मतलब ये अब पैकिंग हो जाएगा ना फिर? हाँ जी पैकिंग फाइनल। अच्छा ये भी कितने रुपए किलो बताए हैं इसको? ये 260 रुपए 260 रुपए किलो मिलने वाले हैं। और जैसे इस तरीके से आप फुट रही है, बहुत सारे आइटम में हैं, बहुत सारे साइज अलग रेट है सबका, लगाइए साइज अलग अलग होता है, छोटा बड़ा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा आगे ये सब क्या है? ये पकौड़े हैं, और दिखाइएगा एक दाल चावल सब खाने के लिए। अच्छा ऐसे बंडल बन के जाता है ना? बंडल बन के जाता है, पार्टी वाले जैसे पैकिंग लेते हैं वैसे हम भेजते हैं। ये पार्टी को पार्टी बन कैसा आज? इसके लिए बनवाने के लिए ऑर्डर लगाना पड़ता है? हाँ जी। कितना मिनिमम पार्टी हमें ऑर्डर करता है उस हिसाब से हम बनाते हैं। ये आपको बंडल मिलने वाले, इसलिए बर्तन बना रहे हैं, मतलब बाल्टी और लोटा छोड़ के सारे बर्तन हम लोग बनाते हैं। आगे मैं दिखा रहा हूँ, इधर देखिए कुछ टिफिन बॉक्स है, और इस तरीके से सर थोड़ा कैमरे के पास से लाइएगा। ये टिफिन बॉक्स है, खास कर जो स्कूल में ले जाने जाने के लिए काफ़ी सही रहेगा, इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी जबरदस्त आपको पीस मिलने वाली है। और आगे भी मिल रहा है, ये भी पैकिंग की बात करें तो इस तरीके से पैकिंग आपको पूरा बंच में मिलने वाला है। जी सर जी ये है डब्बा, पूरा डब्बा है, पूरी डब्बा ना? अच्छा ये फूल स्कूल में बच्चे भी ले जा सकते हैं? हाँ जी। पूरा देखिए इस तरह पूरा ढेर लगा हुआ है। आगे मैं देखिए सब क्या है थोड़ा सा दिखाइएगा।
ये चीनी का डब्बा होता है, चीनी का डब्बा रखिए, चाय रखिए, इसमें चार साइज होता है, चार साइज होता है ना, चीनी रखिए, चाय रखिए, मतलब कुछ भी रख सकते हैं आगे। बहुत यूनिक चीज आपको देखने को मिल पा रही है। अच्छा चलो अपने कैमरे में बताओ वो रेट में मिलने वाला है कि नहीं मिलने? नहीं उसी रेट में दे देंगे, उस रेट में दे देंगे ना, कुछ कम बेसी हो जाएगा वो तो समय बताता है। अच्छा अच्छा के उठाल अच्छा। ऊपर होता रहता है उनके ऊपर होगा मार्केट तो यहाँ भी ये, होगा। ये क्या है? ये कटोरे हैं, कटोरे आपको मिल जाएंगे देखने जाए ऐसे देखो। और आगे देखिए बंडल के बंडल ऐसे लगे हुए हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे फिक्र। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी बर्तन की मैंने पूरे मैन्युफैक्चरर से आपको विजिट कराया, जहाँ पे आपको लोटा छोड़ करके स्टील के सारे बर्तन ये लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और यहाँ बर्तन जो होता है किलो के भाव में मिलने वाले, इतना सस्ता बर्तन आपको मिलेगा शायद ही कहीं मिले। तो जो लोग इस फील्ड से होंगे, बर्तन वाले फील्ड से, अपना आइडिया लगा सकते, काफ़ी ज़बरदस्त रेट में आपको मिलने वाला है। विजिट करना चाहूँगा जहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब बैठ लें यहाँ से विजिट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में।